हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकेमिया के बारे में या फिर ब्लड कैंसर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ल्यूकेमिया दरअसल क्या है, एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। अब स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपने ब्लड के बारे में जानते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। ब्लड हमारा दो पार्ट्स से बना होता है। पहला पार्ट जो ब्लड का है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो सेकंड पार्ट हमारा ब्लड का होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड कार्प सेल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्लड कार्प सेल्स या फिर ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स, ब्लड का जो मोस्टली जो पार्ट होता है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, लेकिन ब्लड का अप्रॉक्सीमेट 20-30% पार्ट जो होता है उसको ब्लड कार्प सेल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो ब्लड कार्प सेल्स होती हैं ये बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं, यानी तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में। नंबर वन RBC, नंबर टू WBC एंड नंबर थ्री ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता क्या है कि ये एक तरह का कैंसर ये है ल्यूकीमिया। इसको हम यूजुअली हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसका जनरल नाम ब्लड कैंसर होता है और हम इसको मेडिकली ल्यूकेमिया के नाम से भी इसको हम सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ब्लड कैंसर होता क्या है? तो स्टूडेंट, ये एक टाइप का कैंसर है। कैंसर में क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ, उनका डिवीज़न जो है वो अब नॉर्मल तरीके से होने लगता है। यानी कि ब्लड कैंसर जो है या फिर किसी भी तरह का जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, जिसमें बॉडी की सेल्स की ग्रोथ और उसका डिवीज़न इररेगुलर वे में होने लगता है, अब नॉर्मल वे में होने लगता है, जिससे ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, यही केस जब ब्लड में होगा, यानी ब्लड की सेल्स में अब नॉर्मल तरीके से डिवीज़न होने लगेगा, अब नॉर्मल इंक्रीमेंट होने लगेगा, तो उस कंडीशन को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में बेसिकली जो WBC सेल्स होती हैं, यानी वाइट ब्लड कार्प सेल्स होती हैं, तो वाइट ब्लड कार्प सेल्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना। तो ल्यूकीमिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ WBC ड्यू टू देयर इंक्रीज फॉर्मेशन इन द बोन मैरो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता क्या है कि हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो मीन्स हमारी बोन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो स्टूडेंट, बोन मैरो जो होती है उस बोन मैरो में WBC का फॉर्मेशन होता है, और WBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में बहुत ज़्यादा होने लगता है, इररेगुलर वे में, इररेगुलर अनस्टॉपेबल वे में होने लगता है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे ब्लड में WBC का जो अमाउंट होता है, जो नंबर होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, जब हमारे ब्लड में WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीमेंट जब WBC के नंबर में होती है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकीमिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ल्यूकीमिया क्या होता है। ल्यूकीमिया इज सिंपली एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ WBC सेल्स या फिर एबनॉर्मल इंक्रीमेंट ऑफ WBC सेल्स ड्यू टू देयर इंक्रीज फॉर्मेशन इन द बोन मैरो। तो हमारे बोन मैरो में WBC बनती है, WBC जब बोन मैरो में ज़्यादा अमाउंट में बनने लगती है, तो इस तरह से हमारे ब्लड में WBC का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा ल्यूकीमिया क्या होती है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट बायो के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो पर लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।